अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन के साथ नया व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी सुबह सुबह नाश्ता करके इमोन लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और मैंने फिर पाकिस्तानी मूवीज़ ढूंढ रही थी, ऐसे ही यूट्यूब में ढूंढ रही थी तो एक जवानी फिर नहीं आनी मूवी मिली है, तो वो ऐसे ही देख रही हूँ। मज़ा ही आ रहा है, आधी मूवी देख ली है। तो वैसे मूवीज़ डाउनलोड सब मिलता नहीं कहीं जगह जहाँ से पाकिस्तानी मूवीज़ डाउनलोड करें, तो यूट्यूब में कुछ हैं तो उधर से ही मैं देख रही हूँ और मज़ा ही आ रहा है। फ़नी सी मूवी है। बाकी हेलो मैकी, हमारे घर के दोस्त स्लीपिंग ब्यूटी। क्या कर रहे हो हर वक्त? दोनों सो रहे हो कैसे? दिन रात दोनों सोते हो? मुझे ब्लैंकेट तो ठंडा लग रहा है, तुम एसी क्यों खोलिए? गर्मी गर्मी नीचे गया था ना, गर्मी लग रही थी अचानक से। यार दो हफ्ते हो गए मैंने अपने आईब्रोज नहीं बनाए, पूरा देखो इतने खराब हो गए हैं। एक बार मेरे आईब्रोज का सिर्फ शेप चला जाए ना, फिर मुझसे बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बनेगा लेकिन एक पतला एक मोटा ऐसे बनेगा। तो अभी मैं ना अपने आईब्रोज का जो सामान है वो निकाल देती हूँ। क्या क्या चाहिए मुझे? यही चीज़ चाहिए, रेजर चाहिए, छोटी सीजर। क्या हो गया? कितना चाहिए? टिश्यू पेपर चाहिए, एक छोटा सा मिरर। तो चलो गाइस, फाइनली हमारे आईब्रोज जो है वो पूरे चकाचक हो गए। और अभी मैं ना ये एलोवेरा जेल जो है निकाली है, तो ये पूरी इधर लगा दूंगी। अपर लिप्स भी सेट कर दिए। इमोन आओ, तुम्हारे भी आईब्रोज बना लूँ। मैगी, मैंने ना पहली बार देखा डॉग्स को मूछें होती है, क्योंकि लूसी था, लूसी के मुंह में तो पूरे बाल होते हैं। तो मेरे बहन का कुत्ता है सोबिया का, तो वो मैंने ना उसको कभी देखा नहीं, उसके एक्स्ट्रा मूछें। इस मैगी की मूछें हैं। मैगी तुम लड़की हो पता है, फिर भी ये इधर से बिल्ली की तरह पूरा इस एरिया से ना निकले हुए। मैगी आओ, तुम्हारी भी अपर लिप्स बनाओ। देख रही है कैसे, आ जाओ। मैगी बोलेगी शादी आप पागल हो गई है। चलो मैं एलोवेरा जेल लगा दूँ। कैमरा को हम ऐसे पकड़ते हैं क्योंकि कैमरा एज ए मिरर भी काम कर रही है। और ये ऐसे लगा दिया। भाई मैं तो थ्रेडिंग से इतना डरती हूँ, पाकिस्तान में जब मैं रहती थी ना तब मैं थ्रेडिंग करवाती थी डर डर के। अपनी बहनों को देखती थी, वो भी करा रही है, तो मैं भी कॉलेज से ना स्टार्ट कर दिया था आईब्रोज बनवाना। तो एक दो बार बनाया, फिर इतना डर लगा क्योंकि दर्द होता है बहुत, मतलब कंट्रोल ही नहीं कोई, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया मैंने करना थ्रेडिंग। चलो अभी ना फूड पांडा से कुछ सामान ऑर्डर करते हैं, पांडा मार्ट में जाएं। और क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं कुछ चाहिए। मेरा हैंड वॉश ख़त्म हो गया है। तो अभी ना मेरा बिल जो है टोटल हुआ है 1500। और प्लेस ऑर्डर कितनी देर में मिलेगा? 15 to 25 minutes। चलो ठीक है। और उसके अलावा काम की चीज़ें मंगाई है, और मैंने आइसक्रीम भी मंगाई है, फिर स्वीट योगर्ट मंगाई है, और क्या मंगाया है जो आएगा दिखाऊंगी, समोसे मंगाए हैं, शाम को खाएंगे समोसे। मुंह में पानी आ रहा है अभी से ही। रिमन तुम क्या कर रहे हो? अकेले अकेले आराम कर रहा हूं, पिस्ता खा रहा है। मैं दिमाग को मैं तेज करना है और भी। दिमाग को तेज हो रहा है गाइस, इधर दिमाग तेज हो रहा है, और भी तेज करना है दिमाग। और एक और भी आया है दिमाग तेज करवाने अपना। इसको फायदा नहीं, इसका दिमाग तेज नहीं होने का। मैगी का दिमाग सबसे तेज है। किट कैट खाते थे बचपन में, ऐड देखे थे तो ऐसे नाखून डाल के फिर ऐसे तोड़ तोड़ के देते थे। मैंने तो नहीं देखा। मैंने देखा ऐसे बचपन में। सब्सक्राइबर से पूछो, सब्सक्राइबर अगर ऐसे स्टाइल देखे हो तो बताना। इंडियन आईडी तो था वो जो मैंने देखा था। हाँ, कैसे होता है ऐसे बीच ऐसे लगा हुआ था, फिर बीच में से काटते फिर किट कैट कैसे तोड़ देते है। दो लोग खाए, दो शेयरिंग करे। क्यूट सा स्टाइल है, मैंने कभी भी इस स्टाइल में नहीं खोला। कॉल आई है फूड पांडा की, क्या चलो देखो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, जी अपनी आसतेन বাসার নিচে ওদের আমি আসতেছি। चप्पल पहने, चप्पल मुझे नए लेने चाहिए, ये चप्पल ना बहुत टाइम पहना, एक साल हो गया है। मैगी सामान है भाई, सामान खानी है जो। सबसे पहले ये आइसक्रीम है, ये फ्रिज में रख दो। देखो
आओ इसको फ्रिज में रखते हैं क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगी ना, थोड़ी ठंडी हो फिर सबको देती है। और मैंने ऑर्डर दिया ये चीज़, तो मैंने ऑर्डर दिया है न्यूट्रेला। अरे ये क्या फ्री में दिया गया, मैंने ऑर्डर नहीं किया ये। पेस्ट के साथ फ्रीज है लिखा हुआ है क्लोज अप। किसको चाहिए घर में ये? ये मेरा है। मामा दे दो। चलो मामा सरप्राइज गिफ्ट है। इतनी खुशी मिलती है जब कुछ ऐसे एक्स्ट्रा आ जाती है चीजें। मैंने ये हैंड वॉश लिया, ये दिया है, ये कुछ है बांग्लादेश में मिलता है, फेमस एक चीज है बांग्लादेश में, खोल के दिखाऊंगी। और ये समोसे ऑर्डर दिए हैं शाम को पकाना, ठीक है? लेकिन ये शायद छोटे छोटे समोसे तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी है। चिकन समोसे हैं, क्लोजअप पेस्ट, ये है रूम स्प्रे और मीठी दही। तो ये भी दही और समोसा फ्रिज में, दही फ्रिज में, समोसा फ्रिज में। चलो बोतल मांगो लेके आते। ये अपा की फेवरेट है। आओ सो रहे हैं अपा, रख के आ जाऊं। माँ ऊपर है, ये माँ को देना है। माँ का गिफ्ट जो है मैं छुपा के आई हूँ, देखे नहीं। माँ अपना जुन्नो, हमारा जुन्नो गिफ्ट कर से ए की दरकार छिल ई माँ माँ फ्री दे से पेस्ट के साथ किसे साथ पेस्ट के साथ फ्री इसके साथ अपन पेस्ट के साथ बोले एटा दे माँ बोले कि ऐसे और पांच पांच ऑर्डर कर अभी हम ना छत पे आ गए और वेदर बहुत अच्छा है। कबूतर, अब्बा के कबूतर, कबूतर हेलो, बस भाग जाए बस उड़ के, हेलो भी नहीं बोलते। ये वाला अच्छा है, चुप कर भाग गया अभी। चलो घर के अपडेट देखें क्या है। अरे वो उधर साइड का ना पूरा उड़ा दिया। घर कैसे बनता है ना, सीखे डाल के फिर नीचे ना वो कोई ब्रिक्स तोड़ रहा है। ये घर भी हमारी आंखों के सामने ही बना था पूरा, अभी भी काम चल रहा है, बहुत काम है यार। जितना बनाना मुश्किल है उतना तोड़ना भी। मैगी इधर आ गई है, आ जाओ मैगी। अच्छा अच्छा खुशी खुशी के लिए चाहिए। खुशी दे सो मैगी जी। मतलब इसको ना मेरे पे बहुत ट्रस्ट है, आके ही मेरे साथ बैठ गई। दरवाज़ा खुला है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन मेरे साथ ही बैठी हुई है। मैगी छो, एडो ट्रस्ट है। कितना बड़ा पीस तोड़ रहा है, देखो अभी गिरेगा, अभी गिरेगा। डेंजरस भी तो होता है ना इसे करना, इमोन बहुत ही डर लगता है। अभी गिरेगा, ये गिरा। अभी तक तो गिरा नहीं है, लेकिन पूरा ही तोड़ दिया है, मतलब बेस से नीचे से। अरे गिर गया। समोसे आ गए, बहुत ही छोटे नहीं है, मुझे यही डर था छोटे ना आ जाए, छोटे आ गए। इमन खा के देखो। मैंने खा लिया ऑलरेडी। खा के आए हो? नीचे जाके टेस्ट करके आए हो? टेस्ट करके। इमन का आधा तो खाना टेस्टिंग में हो जाता है। गर्मा गर्म। अच्छा है, चिकन की फीलिंग है, टेस्टी है, नॉट बैड। घर में बनाए बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने कहा आज चलो ऑर्डर करके देखते हैं कैसा है, और ख़राब नहीं, अच्छा है। तो अभी ना जो यूक्रेन और रशिया की फ़ाइट हो रही है ना, ऐसा मतलब ये अल्लाह करे ठीक हो जाए, बहुत ही ख़राब लगता है ये देख के। पैलेस्टाइन के टाइम भी जो हो रहा था बहुत ख़राब लगता है। दुआ ये है कि अल्लाह करे दुनिया में ऐसी चीज़ें ना हो, और भले वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, बात है इंसानियत की, तो अल्लाह करे बस सब कुछ सही हो जाए। हम सब दुआ ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और
और दूसरी बात मुझे ये बतानी थी कि ना मुझे और इमोन को ना हमारा वो टाइम याद आ गया, जैसे अभी यूक्रेन में पाकिस्तानी इंडियन सब स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं फैमिलीज, तो एम्बेसीज के थ्रू उनको बाहर निकाला जा रहा है, दूसरे कंट्रीज़ में वो लोग जा रहे हैं। तो ये सब कुछ देख के हमें हमारा कोरिया का टाइम याद आ गया था, जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में ना जंग छिड़ने वाली थी और कुछ सीरियस मैटर ही चल रहा था। और ये कितने साल पहले की बात है, मतलब 3-4 साल पहले, जब नॉर्थ कोरिया मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल लेकर इशू शुरू, हाँ कुछ मिसाइल कुछ था कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को फेंकेगा, पता नहीं क्या कुछ पॉलिटिकल चीज़ें चल रही थी। तो उस टाइम ना हम सारे स्टूडेंट्स ना फंस गए थे, क्योंकि बहुत सीरियस चल रहा था कि कुछ होगा साउथ कोरिया में, शायद कुछ वॉर होगी। तो ऐसा था कि एम्बेसी, मतलब ये नोटिस आने लग रहे थे कि जो जो जिस जिस कंट्री के स्टूडेंट्स हैं अपनी एम्बेसी को कांटेक्ट करें और एम्बेसीज के थ्रू आपको घर पहुंचाया जाएगा। जैसे मैं पाकिस्तान की हूँ तो मुझे पाकिस्तानी एम्बेसी कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर उधर से कुछ अरेंजमेंट वगैरह करके प्लेन्स वगैरह भी जा रहे थे उस टाइम। तो ऐसे मतलब फंस गए थे हम लोग, तो मैं और इमोन, क्योंकि हम लोग तो शादी करने वाले थे आगे, तो हमने सोचा कि अब हम क्या करें, अगर ऐसी अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन उस टाइम आती तो मुझे पाकिस्तान जाना पड़ता और इमोन को बांग्लादेश आना पड़ता और फिर हमारी शादी इम्पॉसिबल थी होना, क्योंकि बांग्लादेश से पाकिस्तान ऐसे बिना शादी के आना और पाकिस्तान से बांग्लादेश जाना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा मतलब वीज़ा कितना मुश्किल से मिलता है, अभी तो मैं शादी हो गई है मेरी तो मुझे अभी इतना वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन टूरिस्ट हो गया जैसे ऐसे आना मुश्किल है बहुत, ऐसे बांग्लादेश इंटर होना एज ए पाकिस्तानी। तो हमने बहुत परेशान हो गए थे क्या करें, फिर हमने तब भी फैसला कर लिया था कि भले साउथ कोरिया में जंग हो लेकिन मैं और इमोन जो है ना हम लोग कोरिया में ही स्टे करेंगे, अपने कंट्री वापस नहीं जाएंगे, शादी वादी करके फिर हम मतलब मूव करेंगे जहाँ भी जाना हो। तो बस ऐसे ही बस शेयर करनी थी, ये बात याद आ गई कि हमने ना डर डर के भी ये फैसला किया कि हम साथ में रहेंगे, क्योंकि हमें पता था अगर हम लोग एक दूसरे कंट्री चले जाएंगे ना फिर हम कभी मिल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही ख़तरनाक सा डिसीजन था, नॉर्मली तो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि हम अपनी कंट्री चले जाएँ। चलो गाइस, बस इसी के साथ दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे दुनिया में जो हो रहा है वो सब ठीक हो जाए, और आप सब भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ख्याल रखना, जिन जिन से प्यार करते हो उनका बहुत सारा ख्याल रखना, और मिलते हैं हम कल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।